खतरे में कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार, सत्ताधारी दलों के 11 विधायकों का इस्तीफा। कर्नाटक में कुमारस्वामी की जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। सत्ताधारी दलों के विधायकों के इस्तीफे की झड़ी लगी है। राज्य में मंत्री कांग्रेस के संकट मोचक माने जाने वाले नेता भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं दिख रहे। आइए आपको शनिवार को हुए घटनाक्रम को सिलसिलेवार दिखाते हैं। कर्नाटक का नाटक, दोपहर 12:30 बजे। 8 विधायक रमेश जरकेहोली के नेतृत्व में कर्नाटक स्पीकर रमेश कुमार के चैंबर में पहुंचे। स्पीकर मौजूद नहीं थे। सभी विधायक अपना इस्तीफा लेकर पहुंचे थे। दोपहर 1:30 बजे। अगले घंटे में लगभग 1:30 बजे के आसपास 4 और विधायक स्पीकर के चैंबर में पहुंचे और वहां पहले से मौजूद विधायकों के साथ शामिल हो गए। इन विधायकों में कांग्रेस के बड़े नेता रामलिंगा रेड्डी भी शामिल थे। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास राज्य में मंत्री और कांग्रेस के संकट मोचक माने जाने वाले डीके शिव कुमार विधायकों को मनाने पहुंचे। लगभग 20 मिनट के बाद सभी विधायक स्पीकर के चैंबर से निकल गए। इनमें से 4 विधायक डीके शिव कुमार के साथ उनकी गाड़ी में चले गए। ऐसा लगा जैसे शिव कुमार विधायकों को मनाने में सफल रहे, लेकिन कांग्रेस के विधायक बीसी पाटिल ने इस बीच दावा किया कि कुल 14 विधायकों ने अपना त्याग पत्र सौंपा है। दोपहर 2:30 बजे बचे हुए 8 विधायक राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच गए। इस बीच स्पीकर ने अपने कार्यालय में 11 विधायकों के त्याग पत्र दिए जाने की तस्दीक की। साथ ही ये भी बताया कि वो मंगलवार को अपने कार्यालय में उपस्थित होंगे और तभी इस मुद्दे को देखेंगे या निर्णय लेंगे। स्पीकर की तरफ से जारी की गई ऐसे विधायकों की लिस्ट देखें तो इसमें कुल 11 विधायकों के नाम शामिल हैं। इनमें कांग्रेस के 1 रमेश जारकीहोली, 2 प्रताप गोड़ा पाटिल, 3 बीसी पाटिल, 4 महेश कुमाती हाली, 5 नारायण गोड़ा, 6 शिवराम हेबार, 7 रामलिंगा रेड्डी, 8 एसटी सोमशेखर और 9 बेराठी बासवराज का नाम शामिल है। जबकि जेडीएस के विधायकों में 10 एच विश्वनाथ, 11 गोपालिया का नाम शामिल है। इस तरह कुल 11 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब जाहिर है सदन में सरकार का गणित गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि 2018 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद जेडीएस कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है। मौजूदा समीकरण के मुताबिक 224 सदस्य कर्नाटक विधानसभा में बहुमत के लिए 113 सीटें जरूरी हैं। फिलहाल बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 105 विधायक हैं, तो वहीं कांग्रेस के 78 और जेडीएस के 38 मिलाकर गठबंधन के पास 116 सीटें हैं। अगर ये 11 विधायकों का इस्तीफा मंजूर होता है तो जाहिर है कुमार स्वामी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। MODI Mischievously orchestrated defections in India. लोकतंत्र को बाजार बनाकर रुपया पैसे की खरीद फरोख्त और सत्ता और धन बल के भय और प्रलोभन से चुनी हुई प्रजातांत्रिक सरकारों को गिराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण कर्नाटका में है। अब जाहिर है खुद अपना कुनबा नहीं संभाल पा रही कांग्रेस और जेडीएस के अंदर खलबली मची है और अपनी नाकामी का दाग वो विपक्ष पर आरोप मंडकर धोना चाहती है। लोकतंत्र की बहुत दुहाई देते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की भी बात करते हैं। शायद यही बीजेपी और उनका लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका है। MLAs को तोड़ा जाए, उन्हें डराया जाए, लालच दिया जाए, सरकारों को गिराया जाए, ये काम पहली बार नहीं हो रहा है। हमने देखा है गोवा में हुआ है, मणिपुर में हुआ है, मेघालय में हुआ है, उत्तराखंड के अंदर हुआ है। विपक्ष की तरफ उंगली उठाना भले आसान होता हो, पर सत्ता में बैठी पार्टियों के लिए आम आवाम की उम्मीदों का बोझ संभालना आसान नहीं होता। मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब गठबंधन बेमेल हो।
और उनमें आपसी फूट के साथ ही एक दूसरे की राजनीतिक जमीन खिसकाने की कवायद चरम पर हो, जैसा पिछले एक साल में कुमारस्वामी की सरकार में लगातार सामने आता रहा है। कर्नाटक में जो साझा सरकार चल रही है वो एक बहुत ही भ्रष्ट सरकार साबित हुई है और कर्नाटक की जनता इस सरकार से बहुत जल्द मुक्ति चाहते हैं। ऐसे में विपक्षियों को कोसने से पहले कांग्रेस और जेडीएस को इसका जवाब ढूंढना चाहिए कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनसे सरकार अपने ही विधायकों की आस्था खो चुकी है। जाहिर है जब सत्ताधारी दलों की खींचतान में शासन प्रशासन का इकबाल जनता के बीच खत्म होता है तो असंतोष की ऐसी हालत सरकार को ले डूबती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।